है गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। सो गाइस, आज का ब्लॉग शुरुआत से एंड तक जरूर देखना, बहुत ही मस्त होने वाला है क्योंकि आज जन्माष्टमी के बाद वाला दूसरा दिन है ये। तो आज देखना आप हमारे यहाँ पर राजस्थान में जो गुग्गा जी के मतलब गुग्गा होता है उस पर राखी को चढ़ाते हैं। तो अभी सबसे पहले चलते हैं, थोड़ा एक नारियल पूजा के लिए नारियल वगैरह तोड़ते हैं, तो आप कंटिन्यू देखना ब्लॉग को। तो गाइस, ये है पानी वाला नारियल, इसको क्या है कि चक्कू से मदद से काटना पड़ेगा, इसको फोड़ नहीं सकते इसलिए इसे चक्कू से काटते हैं इसको और फिर इसका भोग लगाएंगे। अभी पहले इसको काट लेते हैं एक बार। ये कटना आसान नहीं, बहुत मुश्किल से कटता है ये, इसको फोड़ तो सकते नहीं इसलिए इसको काटना ही पड़ेगा इसे चाकू की मदद से। इतना सा पार्ट उतरा है मेरे से भी और इसको पूरा उतारना पड़ेगा। यस, इतना उतार दिया, इतना आधा उतार दिया, आधा और बचा है, छील छील के उतारना पड़ेगा। अब ये जो इसकी मूछें हैं, इन मूछों को चाकू से काट देंगे। ये लो सिर्फ सिंपल, अब इसके अंदर निकला है ये। तो अब इसके अंदर ये इतना सा इसके अंदर से निकला, इसकी तीन आंखें भी है, देखो ये दिख रही होगी आपको। अब जो ये इसकी आंख है ये इसमें से इसी एक आंख को फोड़ लेंगे हम, है ना, और इसके अंदर से जो इतना पानी वो निकाल लेंगे और उसको पी जाएंगे और इसको काम में ले लेंगे भगवान की पूजा के लिए, ठीक है। सो सिंपल तरीके से मैंने क्या इसमें छेद निकाल दिया, अब देखो ये पानी निकलने लग गया, ये देखो। तो इसको पहले हम जल एक गिलास में ले लेते हैं और फिर इसको पियेंगे। अब ये जितना भी पानी है इसको एक इस गिलास में निकाल लेंगे। ये निकल नहीं रहा, थोड़ा छेद बड़ा करना पड़ेगा इसका। हाँ, अब इसका छेद इतना बड़ा कर दिया, अब आराम से निकल जाएगा पानी जितना भी इसमें। ये एकदम से निकला सारा पानी, देख सकते हो पूरा खाली हो गया ये एकदम, वो इतना पानी निकला इसके अंदर। अब ये जो पानी है इसको हम पी लेते हैं। अब ये है, इसको हम फोड़ देते हैं, ये इतना ज़्यादा मजबूत है, देखो गेंद की जैसे ऊपर आता, देखो ये देखो। इसको ऐसे फूटता नहीं है इसलिए फोड़ना पड़ेगा इसको, जोर से मार के ये फूट गया। कितनी बार फोड़ने के बाद में ये निकला है अंदर से, देखो कितना वाइट है, एकदम कच्चा कच्चा है। अब इसकी हम जो अंदर की जो है गिट उसको निकाल लेते हैं बाहर, इसको बाहर लेके चलते हैं और इसको निकालते हैं अंदर से, फिर इसका भोग लगाएंगे। सो अभी जितनी भी है गिट है इसको इस चाकू की मदद से निकाल लेते बाहर। अब भी तो चुप जा रहा पूरा अंदर हाथ में, तो कुछ इस तरीके से इसको चाकू की मदद से निकाल लेते हैं बाहर। कई बार आसानी से अपने आप निकल जाता लेकिन सो भोग के लिए ये है गिट नारियल वाला और ये है लापसी, राजस्थान में इसको लापसी बोलते हैं, और ये है जोत के लिए जो हमने थोड़े आग के लग लिए लकड़ी के। अभी चलते हैं भोग लगाने, यहीं पर लगाएंगे। मम्मी कहीं चीज़ है गुगा जी महाराज। तो इनको क्या करते हैं कि जितनी भी राखियाँ होती है हमने हाथ में बांध रखी होती है वो सारी जितनी भी राखियाँ हैं वो जो अभी दिखाते हैं आपको, देखो गुगा जी के ऊपर बांध देंगे सारी की सारी ऐसे कैसे। सो गाइस, अभी यहीं बैठ के और आपको दिखाता हूँ, एक बार दीजिए दिखाओ 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 एक बार। ये होते हैं गुगा जी महाराज, देखो ये एकदम पास में से दिखाता हूँ, ये इस तरीके मिट्टी के बने जाते हैं यहाँ पर कुछ इस तरीके से। ये शायद सामने का हिस्सा ये है, हाँ ये सामने का हिस्सा है। अभी कुछ इस तरीके से
ये भोग है, ये गुरु जी महाराज, ये थोड़े जौ वगैरह मतलब आखा बोलते हैं यहाँ पर, ये खीर, और यहाँ पर ये आग, वो चावल वगैरह, तब इनसे भोग लगाएंगे इनको। सो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना कि आप लोग वहाँ पर भी इस दिन मतलब जन्माष्टमी कल थी, आज के दिन ऐसे गुगा जी के राखियाँ वगैरह चढ़ाते हैं क्या? अभी हमारे यहाँ पर तो चढ़ा रहे हैं। सो अभी भोग लगा दिया और अभी तिलक निकल रहे हैं, सिए वगैरह, सिए की मम्मी, मम्मी मेरे भी निकालो। दो ताई कौन तो आटी नाटी बाल लग गई, अब मेरे भी तिलक निकलेगा। ये खूब सड़ा सड़ा सारा कट गया, तो ये तिलक निकल गया। अब जितनी भी राखियां हैं वो चढ़ानी है, मेरे तो हाथ में है ही नहीं। ताली जा बड़ा ले आ बड़ी मंदड़ी में। हमारे सिस्टर नहीं है, बड़े पापा की लड़की है, वही सिस्टर है कहने के लिए। तो अभी ऐसे खास सिस्टर नहीं है, मतलब बड़े पापा की लड़की है। तो मेरे तो वो एक राखी थी वो भी टूट गई, हाँ ये रही। तो ये एक राखी है, इसको ही चढ़ाना है हम लोगों को। तो ये एक राखी जो बच्ची है इसको चढ़ा देते हैं, अभी देखना आप कैसे। तो कुछ इस तरीके से गुगा जी महाराज के ऊपर ये राखियाँ चढ़ाई जाती है, बांध दी जाती है। ये मम्मी की गई, मम्मी की भी टूट गई, तोड़ ले। तो इसको कहीं मम्मी कहीं वही सुन नहीं है, गुगा जी कहीं कहीं है, कहीं खानी आएगी तो। मेरे को भी इतना पता नहीं है, लेकिन राजस्थान में शायद मेरे को लगता है सब जानते होंगे इस चीज़ के बारे में कि गुगा जी पे राखी चढ़ती है आज के दिन। तो अभी सभी चढ़ा रहे हैं, ये लगा दिया भोग, गुंडियान बुला लिया था। तो ये लग गया खीर का भोग, सिया की राखी खुल नहीं रही, सिया लगी हुई है। सिया इतने सारे जाकर खटोल ले रही, ओ सिउ सारी राखियाँ एक हाथ में पकड़ ली, बस बैठी है घर लेकर। सिउ चढ़ा दे, दो राखी चढ़ा दे, चढ़ा दे, वो पटक दी सारी राखियाँ, दो राखी पटक दिया हाथ में, चढ़ा दो। ये गई राखियां गुगा जी के ऊपर चढ़ा दी। अटारी सिउ हाँ जोड़ लो, हाँ जोड़ो, आइया पूरा जुड़ी हुई तो सारा जगत की मान ली थी की राखियां सगली मान ली रे तो तो अभी रिशु के तिलक निकल रहे, रिशु चार जगह तिलक लगवा लिए इसने। अब नागड़ी तू भी रहा, शाबाश, अब का कर दो भाई, निकल दो यहाँ की बढ़िया मौज होगी। नीचे ला क्या ना हो, ताकि ला क्या ना हो, नीचे भाई हाल तक राखी फुल्ली कोई नहीं था, बताते कुड़े लिया तो क्या ये तो बात एक ही है, या कहीं ना चल तो अरे चाट रोड़ा पसंद है ये बंद हो गई। सो अभी गुगा जी की पूजन हो चुकी है, अभी हम लोग बस खाना खाएंगे। ये राजस्थान में सब लोग मतलब होता ही है मेरे हिसाब से, आज जन्माष्टमी के दूसरे दिन गुगा जी की पूजा करते हैं सभी लोग। तो अभी उनको राखी वगैरह चढ़ा दी है, तो अभी हम लोग बस, मैं नहाया नहीं था सब नहा लिए, तो अभी नहाने जाऊंगा, तो मिलते हैं इसके बाद में।